दोस्तों बाबा नीम करौली महाराज के भक्त सारी दुनिया में फैले हुए हैं और इन्हीं भक्तों में से कुछ खास नाम भी शामिल हैं, जैसे एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स, फेसबुक के को फाउंडर मार्क जुकरबर्ग और हॉलीवुड एक्टर जूलिया रॉबर्ट। आपको बता दें कि बाबा नीम करौली की अनोखी शक्तियों की वजह से ये भारत देश के साथ विदेश में भी भक्तों के दिलों में राज करते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में नीम करौली बाबा की कुछ खास अनोखी शक्तियों के बारे में। और अगर आप भी नीम करौली बाबा के भक्त हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। नीम करौली बाबा के अद्भुत चमत्कारों की वजह से उनके भक्त सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हैं। भले ही वो आज दुनिया में नहीं है लेकिन उनकी समाधि के दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से बाबा कंचन धाम पहुँचते हैं। बाबा नीम करौली के कई ऐसे दिव्य चमत्कार हैं जिनकी वजह से लोग उनकी अद्भुत शक्तियों को देखकर हैरान हो जाते हैं। आपको बता दें कि बाबा नीम करौली का जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में साल 1900 के आसपास हुआ था। वैसे तो आप सभी जानते होंगे कि बाबा नीम करौली को भगवान हनुमान जी का अवतार भी माना जाता है। तो बाबा ने ऐसा क्या कर दिया था जिसकी वजह से लोग उन्हें हनुमान जी का अवतार मानने लगे थे? आपको बता दें कि एक बार नीम करौली अपने आश्रम में बैठे हुए थे, तभी उन्होंने अपने एक शिष्य से रामायण का अशोक वाटिका वाला पार्ट पढ़ने के लिए कहा। जैसे ही उनके शिष्य अशोक वाटिका के अध्याय को पढ़ने लगे तभी बाबा उसके आगे की कहानी खुद ही बताने लगे और उनके बताने का अंदाज कुछ ऐसा था मानो वह खुद उस स्थिति से गुजर चुके हैं। बाबा अशोक वाटिका की एक एक जानकारी ऐसे बता रहे थे जैसे वह खुद त्रेता युग में अशोक वाटिका गए हुए थे। बाबा नीम करौली एक के बाद एक पूरी जानकारी बताते गए और बताते हुए उनके आंखों से आंसू भी आ गए और इसी के बाद लोग बाबा नीम करौली को भगवान हनुमान जी का अवतार मानने लगे। ऐसी मान्यता है कि नीम करौली बाबा के पास कई सिद्धियां थी जिससे उन्होंने कई बार बड़े बड़े चमत्कार किए और इन्हीं चमत्कारों की वजह से बाबा के भक्तों की भीड़ काफी ज्यादा बड़ी हो गई। एक बार की बात है जब कैंची धाम में भव्य भंडारा चल रहा था और उस भंडारे के दौरान घी खत्म हो जाता है। यह बात जब बाबा को पता चलती है तब बाबा ने एक व्यक्ति से कहा कि जाओ सिप्रा नदी से जल लेकर आओ और बाबा के चमत्कार ने इस जल को घी में बदल दिया था, जिसके बाद लोग वहाँ पर बाबा नीम करौली की जय जयकार करने लगे। दोस्तों ऐसे और भी कई चमत्कार हैं जो बाबा ने किया है। जैसा कि हमने आप सभी को बताया कि बाबा नीम करौली के पास कई सिद्धियां थी जिसकी वजह से एक समय पर वह कई जगह पर उपलब्ध रहते थे। एक समय की बात है जब कानपुर में एक नए हनुमान मंदिर का निर्माण किया गया था और उसके ऑफिशियल उद्घाटन के लिए नीम करौली बाबा को वहां पर बुलाया गया था, लेकिन बाबा उस समय इलाहाबाद में थे इसीलिए बाबा ने वहां आने से मना कर दिया। जिस दिन सेरेमनी थी उस दिन बाबा इलाहाबाद में सुबह उठे और लोगों से कहा कि मेरी तबीयत सही नहीं है, इतना कहकर वो रूम में आराम करने लगे। ठीक उसके अगले दिन जब सेरेमनी में मौजूद लोग इलाहाबाद आए तब लोगों ने बताया कि हनुमान मंदिर का उद्घाटन बहुत ही अच्छे से हुआ और बाबा जी वहां पर उपस्थित थे जिसकी वजह से लोगों को अच्छा भी लगा। लेकिन जब यह बात वहां के रहने वाले लोगों को पता चली तो वह सब हैरान हो गए कि बाबा तो अपने रूम में विश्राम कर रहे थे, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो भला सेरेमनी के दिन बाबा वहां कैसे पहुंचे। हालांकि उनके भक्तों का यह भी कहना था कि अगर बाबा कानपुर सेरेमनी के लिए जाते तो उनके आने जाने में ही 10 घंटे लग जाते हैं, लेकिन कानपुर में मौजूद उनके भक्तों का कहना था कि बाबा इस सेरेमनी में 7 बजे से लेकर 12 बजे तक उपस्थित हैं, यानी कुल 5 घंटे बाबा हनुमान मंदिर में उद्घाटन में मौजूद थे। आप सभी को बता दें कि बाबा नीम करौली की फिलॉसफी बहुत ही इन्फ्लुएंस थी जिसकी वजह से स्टीव जॉब जैसे कई सारे लोगों की जिंदगी उनसे मिलने के बाद पूरी तरीके से बदल गई। बाबा अपने शिष्यों को हमेशा राम का नाम जपने के लिए कहते थे। बाबा ने अपने जीवन काल में 2 आश्रम बनवाए थे, एक वृंदावन में और दूसरा कैंची धाम में, और वृंदावन आश्रम में ही 11 सितंबर 1973 में बाबा ने अपना शरीर त्याग दिया। तो दोस्तों नीम करौली बाबा के चमत्कारों के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें और बगल में लगे बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं ऐसे ही एक और नई वीडियो के साथ।